Okay, so hello programmers, welcome back in the code with Vikas. This is Vikas Kashyap and today we are gonna talk about TCS CodeVita and what are the benefits of TCS CodeVita, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अब आपको इस चैनल पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होने जा रहे हैं. तो प्लीज़ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आगे मिलते रहे. तो चलिए देखते हैं वीडियो. सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये जो कंपटीशन है वो किन किन लोगों के लिए अवेलेबल है और कौन इसे अटेम्प्ट कर सकता है और किन्हें क्या बेनिफिट होगा. तो इस वीडियो में हम लोग 3 से 4 टॉपिक्स के बारे में अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये जो कंपटीशन है वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाला है, नेक्स्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे बेनिफिशियल होने वाला है, एंड अगर कोई स्टूडेंट जो फाइनल ईयर का है अगर उसके एकेडमिक बिलो 60% है, मतलब 10th या 12th में अगर उसकी परसेंटेज बिलो 60% है, तो उसके लिए TCS CodeVita से उसे क्या बेनिफिट मिल सकता है. एंड देन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करूंगा आपके लिए जो कि बहुत ही काइंड ऑफ बेनिफिशियल है आपके लिए. तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे. ओके, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है. तो अगर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये कॉम्पिटिशन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इससे TCS CodeVita के इंटरफेस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. वो ये देखेंगे कि ये जो कॉम्पिटिशन है वो कितने घंटे का होता है, कितना टाइम लेता है, और इसमें किस लेवल के क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में उन्हें कितना टाइम लग रहा है, वगैरह वगैरह. तो वो इन चीज़ों को यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं. तो इसलिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को ये कॉम्पिटिशन जरूर देना चाहिए. और अगर वो ये कॉम्पिटिशन अटैम्प्ट करते हैं और क्रैक करते हैं, मतलब अगर फर्स्ट राउंड भी अगर क्लियर करते हैं, तो उनके TCS के पोर्टल में कुछ बाउंटी पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, जो कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और इन फाइनल ईयर, जब वो अगर फाइनल ईयर में चले जाएंगे और अगर वो TCS CodeVita या TCS की कोई भी जॉब रिक्रूटमेंट को अगर क्लियर करते हैं, तो वहाँ पर उनकी बाउंटी पॉइंट्स उनको काफ़ी हेल्प करेगी TCS जैसे MNC में एंटर करने के लिए. ओके, तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए. नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स. फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये TCS CodeVita क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए TCS CodeVita इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे उन्हें TCS जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कराती है. मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद TCS CodeVita अटेम्प्ट कर चुका हूँ और मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर करा था, जिससे मुझे इंटरव्यू कॉल भी मिला था. ठीक है, तो मैं इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और अगर आप TCS CodeVita में अगर एक भी क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं, तो आपको TCS की तरफ से इंटरव्यू कॉल आएगा, जिसे अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको TCS जैसी MNC में काम करने का मौका मिल सकता है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ओके, तो आप अगर CodeVita अटेम्प्ट करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है. ओके, ना अगर फाइनल ईयर वालों के लिए मैं पैकेज की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर 3.5 लाख से लेकर के 8 लाख से आसपास तक की पैकेज होती है. उसके लिए दो प्रोफाइल्स हैं यहाँ पर, निंजा एंड डिजिटल. अगर आप एक सिंगल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और अगर आपको इंटरव्यू का कॉल आता है, तो वहाँ पर आपको निंजा प्रोफाइल के लिए बुलाया जाएगा. लेकिन अगर आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहता है लाइक बूम, देन आप वहाँ पर डिजिटल प्रोफाइल के लिए भी अपग्रेड किए जा सकते हैं, वहाँ पर आपको डिजिटल के लिए भी ऑफर किया जा सकता है. लेकिन अगर आपने 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर अगर क्लियर कर लिया है एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, इट मींस फर्स्ट राउंड ऑफ TCS CodeVita, तो आपको डायरेक्ट डिजिटल प्रोफाइल के लिए कॉल आएगा, जो कि 7 से 8 लाख के बीच का एक पैकेज होता है. ओके, तो ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है. नाउ नेक्स्ट, अगर कोई भी स्टूडेंट आप में से अगर बिलो 60% है इन एकेडमिक, लाइक 10th और 12th दोनों में से किसी में भी अगर आपका 60% से कम है, जो कि बहुत ज़्यादा सरदर्द होता है एक इंजीनियर के लिए, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो 60 बिलो के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट करके आती हैं. तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप 60% क्राइटेरिया से परेशान होते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है TCS की तरफ से कि आप अगर उसके फर्स्ट राउंड को जैसे नॉर्मल कैंडिडेट्स क्लियर करके जाते हैं, वैसे अगर आप
क्लियर करके TCS कोडविटा को जाते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करा है और आपने क्लियर करा है तो आपको भी इंटरव्यू कॉल आएगा, और अगर आप वहाँ पर इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो नॉर्मल कैंडिडेट की तरह आपको भी वहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, चाहे वो डिजिटल के लिए हो या निंजा प्रोफाइल के लिए हो, दोनों प्रोफाइल में से कोई भी प्रोफाइल आपको मिल सकता है बेस्ड ऑन द योर इंटरव्यू। ओके, तो ये आपके पूरे बेनिफिट्स थे TCS कोडविटा को लेकर। नाउ अब मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं यहाँ पर आपके लिए एक कोडविटा का सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर, अभी से 4-5 साल पहले के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कोडविटा के, मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, और उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपकी कोडिंग स्किल शार्प होगी। ओके, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने कोडिंग स्किल को शार्प कर सकते हैं फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ कोडविटा। तो कोडविटा को देखते हुए जितने भी उसके लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने खुद अटेम्प्ट किया हुआ है कोडविटा, तो मैं उस लेवल के अच्छे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे साइट से लाऊंगा और आपको यहाँ पर लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपको कोडिंग स्किल्स आप करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, और एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आप अच्छे से कम एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर ही क्लियर कर पाएंगे, जिससे डेफिनेटली यू विल गेट अ इंटरव्यू कॉल। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर द फर्दर वीडियो। ओके, थैंक यू।